हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ रोल बताती हूँ बनाने के लिए, जो कि बहुत ही इजी है और आप इसे नाश्ता बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। देखिए, कटोरी गेहूँ का आटा है, आधा कटोरी मैदा है और इसमें थोड़ी सी नमक डालूँगी, थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, एक बड़े चम्मच घी डालूँगी। अभी इन सबको हाथों से अच्छे से मसल के मिला लेती हूँ इन सब चीज़ों को। तो देख सकते फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप का हो जाता है, समझिए कि आपका ये एकदम परफेक्ट है। चलिए मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के टाइट डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे आटा को गूंथती हूँ मैं टाइट एकदम। अब इसे ढक के मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तब तक इसका मसाला मैं रेडी करती हूँ। तो 4 से 5 उबले आलू है, इसे मैं छील के, चलिए आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाला को एक जगह मैं कर ली हूँ। ये कश्मीरी मिर्च है, चाट मसाला है, अमचूर पाउडर है, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर है। अब इन सबको मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालें फ्रेंड्स, क्योंकि चाट मसाला अमचूर में भी नमक रहते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ऑरिगैनो, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी हाथों से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डालूंगी। अभी बन के रेडी हो गया है, अब इसे साइड में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें धनिया पत्ता मैं डाल दी हूँ, अब इसे अच्छे से मिक्स फिर से कर लेते हैं एक बार। चलिए, इधर हो गया 10 मिनट, इसे भी निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बड़ा हो गया फूल के। चलिए इसे मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतने बड़े मैं लोई को ले ली हूँ। थोड़ा सा मैं आटा नीचे ऐसे लगाऊंगी, इसे एकदम पतला बेल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने पतले लिए मैं बेल के रेडी कर लूँ सारे को। अब बीच में इसमें फ्रेंड्स, बीच में सेंटर में मैं इसे ढक्कन को रखूँगी, आपको भी चीज़ ले। देखिए बीच में एकदम, और साइड साइड से मैं आलू को इस तरह से फैला दूँगी अच्छे से। ये हम मिक्सर को रेडी की थी फ्रेंड्स, सभी को अच्छे से इसमें इस तरह से करके। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे को मैं कर लूँगी, अब ढक्कन को निकाल लेती हूँ। इसमें से हो गया, इसमें थोड़े से मैं पानी लगाऊंगी। तो देखिए इसमें पानी लगा दी इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसे पिज़्ज़ा कटर या चाकू किसी से भी काट लें। ऐसे कट करना है, फिर इस तरह से सेंटर में रख के कट करना है फ्रेंड्स सभी को। फिर